Yetime, kisi bir Dresinya Minor se şadi na karu. Yıl past yani primordial prevention diye. Ki do Dresinya Minor apas mein şadi na kar. Aur jo Dresinya Major hai uska sabse zyada ratio cousin marriages mein is par research hua hai cousin marriages mein. Aur iske alawa jo Pakhtun hai aur Baloch wo in khandanon mein ya in qabilon mein jo Dresinya Major ka ratio hai wo bahut zyada hai. Aur cousin marriages agar kisi ne karni hai to shaadi se pehle apne Dresinya Minor status zarur maloom kar. Iske alawa agar do Dresinya Minor shaadi ho chuki hai unka ek bachcha paida hua hai jo ki Dresinya Major hai to ab wo kya kare ya do Dresinya Minor hai aur wo shaadi zarur karna chahte hain खुराक चाहिए होती है। इसका वजह ये है कि जो नॉर्मली अपनी खुराक
दूसरा जो उसका उसके पेट में बच्चा बन रहा है उसके लिए कुरान, और तीसरा ये है कि वो जो बच्चे हैं वो बहुत ही ग्रो कर रहा है, उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो उसके बहुत ही खुराक बन रहा है, लेकिन हमारे जो खुराक है हमारे घरों में वो खुराक मिलता नहीं है, तो इस वजह से डॉक्टर्स ने इनके लिए न्यूट्रिशन का प्लान बनाया होता है कि आप जब प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो 4 महीने से पहले आपने ये न्यूट्रिशन शुरू कर दिया, तो किस्मती से लोग वो नहीं लेते ना इनको खुराक मिलता है, तो आखिर में क्या होता है कि हर केस में तकरीबन प्रेगनेंसी के टाइम में जब डिलीवरी होती है तो फिर उनको उनको खून की जरूरत पड़ती है, तो अगर हम अपना डाइट सही रखें या वो सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन टाइम पे लेना शुरू कर दे जो कि डॉक्टर हर बंदे को बताते हैं प्रेगनेंसी लेडीज को, तो 80% जो ब्लड कंजम्पशन प्रेगनेंसी में होती है वो रुक सकती है, जो भी क्वेश्चन ऐसे केसेस होते हैं कि उसमें घर भी होंगे लेकिन वहाँ पे हो सकते हैं, और पाकिस्तान में थैलेसीमिया के बाद सबसे बड़ा जो कंसम्पटिव डिजीज है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया है। तीसरा जो चीज है वो एक्सीडेंट्स है, पाकिस्तान में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बाइक एक्सीडेंट्स और रोड साइड एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट, फिर जो फायरआर्म इंजरीज होते हैं उसमें बहुत सारा जो है फ्रेश ब्लड चाहिए होता है, और हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मतलब मैंने सिर्फ एक क्योर एंड केयर फाउंडेशन वाले है जो कि ब्लड पे काम कर रहे हैं, उनका एजेंडे में ट्रैफिक और रोड साइड एक्सीडेंट ये भी शामिल है, तो हम इनको शेयर भी करते हैं क्योंकि पहला ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा है जो कि इसमें भी काम कर रहा है, हम डायरेक्टली ब्लड चैन की तरफ से इस पे चला चाहते हैं। आप यंग भी होंगे, आप एलिजिबल भी होंगे, लेकिन आपके और बीमारी होगी,
che si sa sempre per tutti i quali c'è un giro per il net per sé, che si per il giro per sé, che si può c'è un giro per te, o non è cioè una vita di prima sale, di fraude, di accident, di pregnancy, di rischio del camas cam, regular donation, 2% dopo un camino c'è, regular camas da più, che harman da tecnico in team, quanto va a salme per te, o irregular, che salme, quanto va a tu, quanto va a lui, che tu per 5% non c'è. इसके बहुत से वजूहत है कि मतलब ये क्यों नहीं कर रहे तो इसमें जो एक है वो अवेयरनेस है अवेयरनेस लोगों को है नहीं कि मतलब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मतलब ड्रग जो है ये ऐसी चीज है कि दूसरे इंसान की जान भी बचा सकती है और फिर उसके मुख्तलिफ और रीजन है कि उनको लगता है कि हम बीमार हो जाएंगे उसको लगता है कि ये सेल करेंगे इसको लगता है कि बहुत मसले मसाइल है तो अगर किसी की जहन किसी भी बंदे के जहन में ये क्वेश्चन है कि ये सेल भी हो जाएंगे तो हमारा एक दोस्त है उमर खान वो पिछले कॉन्फ्रेंस में बता रहा था कि अगर सेल भी करते हैं तो आखिर में किसी का जान ही तो बचना है तो इसको मतलब आप लोग अपने सही सदके से ड्रेड करें अपने माइंड से इसको बिल्कुल क्लियर रखें बाकी वो जिधर जाता है इंशाल्लाह आखिर में आपको फायदा होगा आखिर में आपको फायदा होगा दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग डरते हैं वो ब्रिक से डरते हैं फिर वो कहते हैं कि हम बीमार ना हो जाएंगे तो उसमें मैं दो चीजें अक्सर बयान करता रहता हूँ एक ये कि हर पहली मरतबा जब बंदा कोई भी काम करता है तो वो डरता रहता है फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छी चीज जो है शादी है शादी भी अगर आप करेंगे तो आप डरेंगे कि यार क्या होगा आपको जो है बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में आते हैं वो एंग्जाइटी के शिकार होते हैं इस वजह से कि मतलब वो इतने एक्साइटेड होते हैं पता नहीं उनकी धड़कन इतने तेज होते हैं कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो मतलब शादी में भी बंदा डरता है तो ब्लड डोनेशन से ऑब्वियसली लेकिन जब बंदा एक मरतबा दे दो मरतबा देता है तो फिर वो आगे हो जाते हैं दूसरा चीज ये है और जो कि हम सबको हर जगह पे बोलना चाहिए मैं अक्सर ये चीज बोलता रहता हूँ कि हर इंसान में नॉर्मल हाइट की हाइट हाइटेड इंसान होता है उसमें 4 लीटर से लेकर 6 लीटर तक ब्लड होता है ये मैं दोबारा बता रहा हूँ हर नॉर्मल इंसान में 4 लीटर से लेकर 6 लीटर तक ब्लड होता है और उसमें हमारा इस्तेमाल का ब्लड होता है सिर्फ 4 लीटर होते हैं बाकी जो 1.5 से 2 लीटर का ब्लड होता है वो वैसे रिजल्ट पड़ा होते हैं और उसका मकसद ये होता है खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई सर्जरी करनी हो आपसे ब्लीडिंग हो जाए तो वो एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो वापस जो है सर्कुलेशन में आ जाए और आपको हेल्प करे लेकिन ब्लड डोनेशन में एक बंदे को सिर्फ 470 ml यानी आधे लीटर से भी कम देना पड़ता है इसका मतलब ये है कि आप अगर ब्लड डोनेट नहीं करोगे तब भी आपके पास 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर ब्लड एक्स्ट्रा पकड़ा होता है आपके इस्तेमाल से भी ज्यादा तो इससे कोई बीमारी नहीं होती और इसका एग्जाम्पल इस तरह होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी मान में से खैरात ज़कात और सदक़ात नहीं देते और उनके जहन में ये होता है बहुत सारे मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं तो वो इसलिए नहीं देते उनको ये लगता है कि हमारा जो माल है ये कम हो जाएगा खत्म हो जाएगा इसी तरह जो मैं मेरा दिल ये कहता है मेरा ईमान ये कहता है कि अल्लाह ने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा ब्लड दे दिया है कि हमें इस पर टेस्ट किया जाए और हमें उन अमीर लोगों की तरह उनके पास दौलत होता है ज्यादा हमारे पास ब्लड ज्यादा होता है तो हम डरते हैं कि हम अगर ये डोनेट करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे उसी तरह जिस तरह जो अमीर लोग होते हैं वो डरते हैं कि अगर हम ये डोनेट करेंगे तो ये कम हो जाएगा इसके अलावा मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है मिसकंसेप्शन सबसे पहले मेरे साथ एक वाक्य पिछले दिन हुआ वो ये हुआ कि एक बंदा आया मेरे पास और वो उनकी सिस्टर को एम्प्लास्टिक कर दिया था तो उनके अबू आ गए जिनका एज 55 था और उनका भाई आ गया जिनका एज जो है 35 के दरमियान था तो उन्होंने कहा कि मुझे वो पॉजिटिव ब्लड चाहिए मैंने कहा कि सही है मैं देता हूँ लेकिन आपका अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है उसने कहा कि मैंने चेक नहीं किया तो मैंने कहा कि आप चेक करें बाद में जो है चेक करें और मैं आपके लिए वो पॉजिटिव वाला हेल्प करता हूँ तो उसने चेक किया वो ए पॉजिटिव निकला तो मैंने उनको बोला कि आप ए पॉजिटिव हमारे दूसरे पेशेंट को दे दें और मैं आपको वो पॉजिटिव देता हूँ तो उसने कहा कि नहीं मैं तो ब्लड नहीं देता मैंने कहा कि क्यों कह रहे कि खून देना हराम है मुझे बहुत अजीब लगा मैंने कहा तो फिर ये किस तरह हराम है किसने बोला तो कह रहे कि इसलिए हराम है कि मेरा खून किसी और की बॉडी में जाएगा फिर उनके बच्चे होंगे तो उनके बच्चों में मेरा खून होगा तो वो बच्चे हरामी होंगे और वो और ये हमारी मौलवी साहब ने बताया मुझे बहुत ही अजीब लगा खैर मैंने कहा कि जो आपकी सिस्टर को हम ब्लड दे रहे हैं कि मौलवी साहब ने बताया हुआ कि खून जरूरत के वक्त लेना हलाल है लेकिन खून देना जो है ये हराम है तो मुझे बहुत ही अजीब लगा मैंने फिर उनको समझाया फिर वो आखिर में कहने लगा कि मेरा जमीन नहीं मानता लेकिन दे दूंगा खैर जब डोनेशन का टाइम है उसने मोबाइल ऑफ किया और एक बहुत
che ci hanno disciplinato, perché abbiamo fatto i sabatori che mi sono in carnagenità, o mi hanno fatto anche per me, sapete che hanno fatto. Penso che mi scanno se ci sono tutti, ci sono che vogliono essere tutti. A me, è che ho riuscito che in Black Donation, è che mi è voglia che dopo come anni ho fatto anche un po' di tempo, non c'è un Black Donation, che si impegna lo sport, non c'è un Black Donation. Esco eligibility criteria per me. Rusche determinate जाएंगे मैं आप लोगों को सिंपल चीजें बताऊंगा सबसे पहले हर वो बंदा जिसकी उम्र 17 से लेकर पाकिस्तान में 18 से और बाहर दुनिया में 17 से लेकर 55 साल तक वो ब्लैक मेल कर सकता है लेकिन ये नॉर्मल बंदों की मैं बात कर रहा हूं ऐसे एक्सेप्शन ले है कैसा बंदा भी है कि उसने 81 साल उम्र के में भी ब्लैक किया लेकिन नॉर्मल जो डब्ल्यूएचओ का प्रोटोकॉल है वो ये है कि 18 साल से लेकर 17 या 18 साल से लेकर बनते हैं कि
पॉपुलेशन से ही डिस्ट्रीब्यूशन से ही होती है. पाकिस्तान में ये सिटीज बहुत बड़े हैं, गांव जो है वो पूरे, तो फॉर एग्जांपल ये इटावा है, इटावा जो है तकरीबन कश्मीर कोस्तान और हरिपुर और बहुत दूर दूर लोगों तक यहाँ पे सारे हॉस्पिटल यहाँ पे है, तो वहाँ पे जो लोग है यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ से ब्लड मिलता है. इस तरह फॉर एग्जाम्पल पिशावर है, पिशावर पिशावर बहुत दूर से लोग आते हैं, तो सिटीज लोगों को पूरे डालू के जो कि बहुत दूर से आ रहे हैं, मतलब जो कंजम्पशन ऑफ ब्लड है वो सिटीज में हो रहा है, लेकिन जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत दूर से आ रहे हैं. तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे लोगों को जो ब्लड है ये सिटी प्रोवाइड करे. इसका सोल्यूशन ये होगा कि कैंप गाँव के इलाके में हो, जो कि वही गाँव के लोग आएंगे सिटीज में और वहाँ पे जो है वो. तो ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, क्योंकि सिटी से डेवलप नहीं हुई तो उस हिसाब से होने वाला. और इंशाल्लाह आगे जब हमारी कौन तरक्की करेंगे तो ये इशू भी सॉल्व हो जाएंगे. इसके बाद जो एक और मसला है ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे बहुत जगहों पे लोग जो है ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन उनको ट्रांसपोर्टेशन के मसले मसाइल होते हैं. इसलिए हमारी करीम और उसी की मीटिंग हुई है और ये होना चाहिए कि हुकूमत की साइड से डोनर को मतलब जैसे डेल्ट के नाम पर नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे कि ब्लड एक्टिविस्ट सब जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ऐसी फैसिलिटी डेवलप करें ताकि डोनर को डेल्ट करें फ्री ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से. फिर एक और जो मसला चल रहा है जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर का हो जाए. स्टोरेज का मसला, पाकिस्तान में जो स्टोरेज का मसला है ये अपडेटेड है. बहुत सारे ममालिक ने बहुत अच्छा अच्छा जो है वो किया हुआ है, सिस्टम किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं हो रहा है. और पाकिस्तान में जो ब्लड स्टोर होते हैं वो 35 डेज के लिए होते हैं, 35 डेज के बाद ये जो है डिस्चार्ज किए जाते हैं. आप लोगों को बताता चलूँ कि ब्लड के 3 कम्पोनेंट होते हैं, तो प्लेटलेट्स को हम 2 दिन के लिए रख सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा रोल है तो उसको हम 35 डेज तक रख सकते हैं. और इसके बाद प्लाज्मा, और इसको प्लाज्मा भी बोलते हैं, तो उसको हम तकरीबन 1 साल से लेकर 3 साल तक पाकिस्तान में अभी स्टोर कर सकते हैं. ये काफी इम्प्रूवमेंट आई है. लेकिन जो आप ब्लड होते हैं वो 35 डेज के बाद डिस्कार्ड किए गए. एक और इशू है जो कि डॉक्टर कम्युनिटी में वो ये है कि कोल्ड वर्सेस फ्रेश ब्लड जो, और दूसरा इसके साथ है होल वर्सेस कंपोनेंट ब्लड. ये दो मसले ऐसे हैं ना कि हर डॉक्टर आपको बोलेगा कि मतलब हमें फ्रेश ब्लड चाहिए. और इसका एक रीजन है, वो रीजन ये है कि बहुत सारी जगहों पर इस तरह हुआ था कि प्राइवेट बैंक से लोग ब्लड लेके आते थे, प्राइवेट वाले स्कैम करते, फ्रॉड करते. क्या करते थे फ्रॉड, वो इस तरह के वो अपने ब्लड बैंक पे डेट नहीं लिखते थे, उनके 2 महीने हो जाते थे, 3 महीने हो, और जो भी बंदा आ जाता तो उनको 1-2 हफ्ते पुराना वाला डेट लगा कर उनको दे देते, वहाँ पे जो पेशेंट को लगा देते थे उसकी वजह से रिएक्शन हो जाती थी. इसलिए हर डॉक्टर अपनी करता है तो वो कहता है कि आपने फ्रेश ब्लड नहीं किया है, लेकिन ये गलत बात है. क्यों? इसके जब हम ब्लड डोनेट करते हैं और ये फ्रेश होते हैं तो उसे 4 चीजों के लिए नॉर्मल 4 चीजों के लिए टेस्ट किया जाता है. बाकी जितने भी पैथोजेंस होते हैं, करोड़ के पैथोजेंस होते हैं, वो ब्लड में होते हैं. अगर आप डायरेक्ट पेशेंट को लगाते हो तो उसमें खतरा होता है कि उसको आप बीमार कर दें, तो इसलिए फ्रेश ब्लड का कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक चीज है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 99.9% ऑफ द हॉस्पिटल पाकिस्तान में ये हो रहा है. अगर होल वर्सेस कंपोनेंट और ये कि अगर हम ब्लड डोनेट करें और हम बार बार ये कहते हैं कि एक ही ब्लड डोनेशन से हम 3 जिंदगियां बचा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बचाते हैं. क्यों? क्योंकि एक ही बैग जो है एक ही पेशेंट को लगता है. इसका नुकसान क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की जो है प्लेटलेट्स भी रहते हैं और आप उसको पूरा ब्लड दे रहे हो, प्लेटलेट्स उससे रेंज में आ जाएगा, लेकिन बाद में हीमोग्लोबिन और साथ में जो है प्लाज्मा वो डिलेट कर दिया. एक ये हो गया, दूसरा ये कि वो प्लाज्मा और वो हीमोग्लोबिन यानी आरसीसी आपने जाया कर दिया. होना ये चाहिए कि जिस पेशेंट को जो पोषण की रिक्वायरमेंट है वही लगाए, लेकिन ये हो रहा है कि पूरा ब्लड लग रहा है और कंपोनेंट थेरेपी नहीं हो रही. ये बहुत खतरनाक चीज है. एक और जो चीज है वो ट्रांसपेरेंसी है. पाकिस्तान में जो ब्लड बैंक्स में चाहे वो प्राइवेट है, आप लोगों को बताता चलो कि पाकिस्तान में तकरीबन 650 ब्लड बैंक्स है, इसमें 150 तक पब्लिक है और बाकी जो प्राइवेट है. तो ये तकरीबन हर ब्लड बैंक में फ्यू के अलावा बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है. वो रजिस्टर को लेके काम कर रहे हैं, उनके टर्म पॉलिसी का कोई सीन ही नहीं है. हमने कोशिश शुरू की है कि हर जगह पे कंप्यूटराइज सिस्टम लॉन्च हो जाए और मुझे पता रहो, अगर मैंने यहाँ पे आज ब्लड डोनेट किया तो 8 साल बाद भी मुझे पता लगे कि मेरा जो ब्लड है वो किस पेशेंट को लगा है, किस तारीख को, किस पेशेंट को, किस आईडी वाले पेशेंट को लगा है, और
उसका मोबाइल नंबर आईडी कार्ड नंबर क्या है, इसके अलावा कोशिश करेंगे कि आ जाए। ट्रांसपेरेंसी की बहुत सारी इश्यूज है, कभी कभार ओटीसी वापस भेजा आ जाता है, उसका पता नहीं चलता कि रिकॉर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने बहुत सी खतरनाक चीजें देखी, आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं से सुन रहा था हेड नर्स से, कह रहा था कि 4 साल तक पहले एक स्कैम हुआ था, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं मेंशन करना चाहता, और इस तरह होता था कि जो बैंक्स वाले थे वो बैंक्स को आधा करते थे, आधा मतलब आधा खाली बैग में डालते थे, आधा छोड़ देते थे और आधे में उसमें नॉर्मल सलाइन डालते थे और पेशेंट को वही दे देते थे और वो जो आधा थे वो बाहर प्राइवेट सेल करते थे। तो इस तरह बहुत सारी इश्यूज हैं और इसके लिए मेरे जहन में ये मतलब फर्स्ट ये होना चाहिए कि जहाँ भी अमाउंट फिक्स ना हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी अमाउंट फिक्स ना हो, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई 4,000 रुपये बैग के लिए चार्ज करते हैं लेकिन वो बैग से हर बंदे के लिए, तो उसमें इश्यूज बहुत कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर होते हैं। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन वो जो कहते हैं कि मतलब आप जितना देना चाहिए दे दे, 1,000 देना चाहते हो, फ्री देना चाहते हो, 5,000 देना चाहते हो, 10,000 देना चाहते हो, वो उनके जो मालिक मालिक होते हैं वो सही हद से काम करते हैं, लेकिन उनको उनका चेकअप करना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वहाँ पे 3,000 दिए, तो आप भी उनके पास ये सिस्टम नहीं है, वो कहेंगे कि उसने फ्री दिया हुआ है, इसने 1,000 दिया है, वो इसने 2,000 दिया हुआ है। तो जो फिक्स होते हैं वो असल में उसको आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आपको अच्छा ब्लड बैग प्रोवाइड करते हैं, आपने स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उसके चार्जेस होते हैं, मतलब जो वहाँ पे जो एम्प्लॉय होती है उनके चार्जेस होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो अगर आपसे जो मुफ्त में कोई पैसे मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके लिए ब्लड डोनर ढूंढें। ब्लड
हर डोनर के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। एक ये कि आप बार बार अपने फेसबुक पे स्टेटस पे इस पे दिया करो कि आपका ब्लड ग्रुप कौन से है, तो जो बंदा आपके पास बोले कि मेरा बी पॉजिटिव तो उनके नंबर के साथ सेव किया करो, थैंक यू हो गया, तो उसमें फिर आप उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अवेलेबल हो। दूसरा ये कि जब आप दावत दिया थे फोन करेंगे लोगों के पास जाएंगे तो उससे आपके पास डेटा आई तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तीसरा ये कि आप जो हमारे एक्टिविस्ट जितनी भी सोसाइटीज है वो उनसे पूछ सकते हो अगर आपके पास ड्रोन है। चौथा ये कि आप वो आपको दे देंगे और आप उसको कनेक्ट कर दे। चौथा ये कि बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं ये समझता हूँ कि हर ब्लड एक्टिविस्ट को सबसे पहले फेसबुक, उसके बाद व्हाट्सएप, उसके बाद ब्लड कम्युनिटी ऐप, इसके बाद सेव लाइफ कनेक्ट, इस तरह एप्लीकेशन यूज करना चाहिए ताकि वो आपके कॉल करें। पहले आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि आप 50-50 कॉल्स करेंगे और आपको एक डोनर नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे लोगों में आप मकबूल होंगे तो फिर लोग आपको ट्रस्ट करेंगे कि ये बंदा जेन्युइन है और ये सही काम करे तो फिर आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स देगा, तो उसको आप कनेक्ट किया करें। और उसके बाद रिकॉर्ड, चाहे आप जिस भी सोसाइटी से हो, रिकॉर्ड जरूर रखा करें, तो ये आपका केस हो जाता है। ये 20% ऑफ द प्रॉब्लम है, 80% जो और चीजें हमने डिस्कस की इसको लोगों तक पहुंचाना है। अगर ये लोगों तक यकीन करें, मेरी भी जरूरत खत्म हो जाएगी, आपकी भी जरूरत खत्म हो जाएगी और ये जो है खुद ब खुद सारा मसला हल हो जाएगा। अभी एक बंदे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था दरमियान में व्हाट्सएप पे कि आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हम अपनी सोसाइटी बनाएं या ब्लड चैन को ज्वाइन करें, तो मेरी आपको ये गुजारिश थी कि आप अपनी सोसाइटी बनाएं। और इस पे मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे इख्तिलाफ भी रखते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज थी जिनको ब्लड चैन ने गाइड करने की कोशिश की थी और फिर वो हमें समझ रहे थे कि वो ब्लड चैन के अंडर ही काम कर रहे हैं और वो इतने आगे चले गए कि वो ब्लड चैन से भी आगे चले गए। तो इसका मेरा गरज क्या है, मेरा मकसद ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लड पे काम करना चाहते हो और आप ब्लड चैन के अंडर हो तो आप उसी लेवल तक जा सकते हो जहाँ पे ब्लड चैन है, सही है, जहाँ पे ब्लड चैन है। लेकिन अगर आप अकेले काम करना चाहते हो तो और आप पे अगर ब्लड चैन के अंडर ही आप काम करेंगे तो आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और पे फील कर लेंगे, चलो उमर इफ्तिखार भाई करेगा, अब्रार करेगा, करण करेगा, रेहान करेगा, लुकमान करेगा, ये लोग करेगा, आमिर करेगा। लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी बनाते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद आ जाती है, फिर आप उतनी कोशिश करते हो जितना ब्लड चैन के अंदर लोग काम करते हो उतनी उससे ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। जिस तरह जब नई सोसाइटी बनते हैं मैं इसको प्रिजर्व करता हूँ, इसको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारी जो हेडेक है ये मजीद कम हो जाए, जिससे मैं कहता हूँ हाँ अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो, वो ये नहीं है कि आप ब्लड चैन ज्वाइन करो, आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आपको 5% टाइम मिले, 10% टाइम मिले, 2% टाइम मिले तो आप यहाँ कंट्रीब्यूट करके वो कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा होगा और अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो रेहान डिसाइड करेगा कि किसका हम क्वेश्चन ले लें और जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो रेहान डिसाइड करेगा इस क्वेश्चन में किसने क्वेश्चन पूछा और फिर हम उसको या मैं या शाफिक सिंह भाई को आंसर दूंगा। मेरा क्वेश्चन है, जी सर मेरा क्वेश्चन है, अजहर महमूद बात कर रहा हूँ मैं। जी जी आपको मुजाहिद कहते हैं अजहर साहब, मुजाहिद से। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है, एक तो मैंने आपसे बात की थी कि हम फिल्म बनाना चाह रहे हैं, लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो इस ग्रुप में जो लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो जिनको महारत है वीडियो बनाने में, इनके पास महारत है, स्किल है, तो वो जरूर रब्ता करें हमसे कि डॉक्टर लुकमान साहब और मैं मिलकर हम जो है फिल्म लॉन्च करना चाह रहे हैं थैलेसीमिया पे। क्वेश्चन वन मेरा ये है। क्वेश्चन टू सर मेरा ये है कि आप जो है हमारे इदारे किरण क्योर फाउंडेशन को सराहा, हमारी खिदमात को, कि हम ट्रैफिक पे और थैलेसीमिया पे दोनों पे खून फराहम करते हैं, इसके लिए मशहूर हैं, आपने हमें अप्रिशिएट किया आपने। और डॉक्टर साहब ने फरमाया कि क्रीम और ऊबर को जो है हम अटैच कर दें, ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इशू है थैलेसीमिया के बच्चों को, ये बड़ा अच्छा आपने नहीं आपने विजन उठाया आपने, ये बड़ा अच्छा है, हम क्रीम और ऊबर को जो है सब लिखें, खत लिखें, उसको मोटिवेट करें कि इनके साथ खास कोई कंसेशन हो जाए इनके साथ।
और एक क्वेश्चन था मेरा, था आज इतने भी लोग हैं, सबको अपना नंबर शेयर करें अपने सर, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, आज के जो दोस्तों ने जो पार्टिसिपेट किया, हम सब फिर आपस में इस इवेंट के बाद भी हम जो है सब आपस में हम फूड फॉर थॉट गुफ्तगू करें, चैट करें, बात करें, इस सेशन को हम कामयाब बनाए सर। गरीब वाली बात की, तो उससे हमारी तकरीबन 2-3 साल पहले मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने हमें बोला हुआ था, हमने बच्चे एजुकेशन के बारे में बात की थी, तो कह रहे थे कि हम, हमने ये फीचर उनको बताया था कि आप हमारे ऐप से जो बंदे आना चाहते हैं डोनर, तो उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें, तो ये कह रहे थे कि 10,000 लोग आप लोगों के एप्लीकेशन पे आ जाए तो हम इस पर बात कर लेंगे। तो वो फिर हमारे पहले वाले एप्लीकेशन में मसला हो गया, वो क्रैश हो गया, हमने दूसरा बना लिया और अभी उसमें लोग नहीं है। तो रिसेंटली हमने ब्लड कम्युनिटी ऐप से पूरा अपडेट किया है, वो चैन का एप्लीकेशन होगा, वो अपडेट कर रहे हैं। मैंने उनको तकरीबन 12 पॉइंट्स बताए हुए कि वो इस एप्लीकेशन पे ये पॉइंट्स लाए था कि हम इसको हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम करीब और दोबारा बात करेंगे और इंशाल्लाह ये फीचर हम कोशिश करेंगे कि 100% अगर 100% तो 50% बनाएंगे कि डोनर को वो हो जाए। इसके अलावा भी हमारा एक प्लान है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंशाल्लाह उसमें दोबारा फिर गुफ्तगू करेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन और है डॉक्टर, आप निशानदेही फरमा दें, जो इदारे पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं अदिया खून पे, ब्लड डोनेशन पे, थैलेसीमिया पे, उनकी जरूर अपने आज जो ऑफिशियल पेज है आपका, उस पे आप उनके नाम, उनके नंबर दें ताकि हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, जिनको आप समझते हैं, सजेस्ट करते हैं, धमकी देते हैं, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, तो हमारी ख्वाहिश है उनके साथ हम जुड़ जाए, हम सब लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे पास जितनी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके डायरेक्टली मेरे पास मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वो मैं अपलोड कर लूंगा, और जो अनरजिस्टर्ड है, जिस तरह वो अनरजिस्टर्ड है, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए एक पॉलिसी बनाए ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन भी आसानी से हो जाए और वो भी एक्सट्रीम बैक करें, लेकिन ये इशू होती है, हर बंदा इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चाहता है और किसी के साथ काम नहीं करना पसंद करता, तो इंशाल्लाह इस पे ये एक प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। लगवान भाई चैट चेक कर ले प्लीज। ये कहने को ये आप चैट से प्रोनाउंस करें क्योंकि मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा लुकमान भाई, आकिब खान की तरफ से मैसेज है, व्हाट अबाउट पिक एंड ड्रॉप इंश्योरेंस? इंश्योरेंस मतलब जो हम लोग करीम ऊबर यूज कर रहे हैं, उसके इंश्योरेंस क्या होगी? तो ये है कि सबसे पहले अभी ये स्टेज पे हम काम कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम खुद अपनी तरफ से नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये पेशेंट पे होगा, पेशेंट प्रोवाइड करेगा डोनर को अगर वो अफोर्डेबल है, अगर नहीं तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को कर सकते हो, लेकिन इस तरह अभी फिलहाल प्रोग्राम नहीं हो सकता। इस तरह की इंशाल्लाह करीम और ऊबर और लोगों से हम बात कर रहे हैं, और अगर आज नहीं 1 साल बाद हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, ये सिक्योरेशन हो जाएगी, जिधर जिधर वो आपके होंगे तो वो फिर प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसलिए वो हो सकते हैं, एक प्लान ये हो सकता है कि हम अपने इलाके पे फिर सा मोटरसाइकिल रखें और वो किसी एक बंदे को दे दें कि उस पर अपनी दिहाड़ी करें, लेकिन जो हमारे डोनर्स होंगे इसको डोनर्स को फ्री राइड, वो अपनी दे भी कमाएगा और आपके डोनर्स को जो है वो भी देगा। ये हमारे प्लान में हमने इसको लिखा हुआ है कि हम इंशाल्लाह 2021 में दो सिटीज में मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, अगर गरीब वालों के साथ वो नहीं हुआ फिर हम ये डिक्लेयर करेंगे कि अगर ये भी शुरू हुआ तो इसको गरीब वालों के साथ फिर डिक्लेयर करेंगे कि एप्लीकेशन के भी इसको रख लें, हमारे जो मोटरसाइकिल बाइक इंशाल्लाह फिर इम्पोर्टेंस भी आएंगे। इस तरह आप कर सकते हो, फिलहाल हम इस लेवल पे नहीं है कि हम किसी को हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। हमारे पास एक इशू आता है डोनर का, वो कहता है कि मुझे नीडल फोबिया है,
वो डोनेट करना चाहते हैं मगर उसको सिर्फ डीजल हो गए तो इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं। हम उसको जितना कन्विंस करें वो कहते हैं कि नहीं यार वो मतलब उसको शॉर्ट नीडल फोबिया होता है, वो कन्विंस नहीं कर पाते हम। तो इसके लिए हम एक लोगों को कैसे कन्विंस कर ले।